ग्यारहवीं अर्थशास्त्र में सन 1991 में आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। निजीकरण। नई आर्थिक नीति की एक विशेषता यह है कि एक फलस्वरूप निजी क्षेत्र में विस्तार, भारत में आर्थिक विकास के प्रारंभ में ही सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक महत्व दिया गया, परंतु नए आर्थिक सुधार में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास न करने तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति से निजी क्षेत्र के विस्तार में प्रवृत्ति को तथ्यों के स्पष्ट किए। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए सुरक्षित क्षेत्रों को 17 से कम करके केवल 6 कर दिया गया है। इस प्रकार अब लोहा, इस्पात, ऊर्जा, हवाई जहाज आदि उद्योगों को निजी क्षेत्र की इकाइयों में शामिल कर लिया गया है। छठी योजना के अंत तक देश में किए गए कुल निवेश सार्वजनिक व्यय भाग निजी क्षेत्र की तुलना से अधिक है, इसलिए आठवीं योजना में 45% से कम कर दिया गया और आठवीं योजना में निजी क्षेत्र में 55% किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान इकाइयों के शेयर निजी क्षेत्र में बेचे जाएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग निजी क्षेत्र में साझेदारी में वृद्धि होगी। फिर भारत में निजी क्षेत्र में उद्योग निवेश का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय उद्योग वित्तीय संस्थाओं से आता है तथा ये संस्थाएं जो है नई योजनाओं के लिए ऋण देने समय अनिवार्य रूप से परिवर्तन संबंधी धारा के शामिल करती है। इससे यह विकल्प मिलता है कि यह ऋण शेयर भूमि पूंजी में बदल सकती है। फिर है वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करना भी है, अधिक खुलापन प्रदान करना है। वैश्वीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था विकसित देश तथा उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय मामलों संबंधी स्थापित हो जाना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा इनके प्रतिबंध को हटाना है जिससे कि अर्थव्यवस्था खुलापन प्राप्त हो सके। फिर इसके उपाय हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू होने से पहले विदेशी पूंजीपति भारतीय कंपनियों में केवल 40% तक ही निवेश कर सकते थे, लेकिन विदेशी निवेश के प्रत्येक मामले स्वीकृति लेना जरूरी है। भारतीय कंपनी को 51% तक निवेश कर सकते थे, इनकी अनुमति स्वतः ही मिल जाएगी। फिर विनिमय दर में समायोजन करें सरकार ने 1991 में 20% अवमूल्यन कर दिया। इसके उद्देश्य से निर्यात को प्रोत्साहन मिला और आयात प्रतिस्थापन और पूंजी के अंतर्प्रवाह गति को तीव्र करना था। फिर 1992-93 के बजट में निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रुपये आंशिक परिवर्तनीयता कर दी गई थी। फिर 1991 में नई विदेशी व्यापार नीति दीर्घकाल तथा 5 वर्ष के लिए घोषित की गई। इस नीति की मुख्य विशेषता इसकी उदारता है। इस नीति में लगे नियंत्रण प्रतिबंधों को हटा दिया गया, खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया, सभी सुविधाएं प्रदान की गई। विशिष्ट वस्तु को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात निर्यात किया जाता था जिसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी एवं बेची जा सकती थी। वस्तुओं की संख्या को सीमित करके सभी व्यापार को समान अवसर दिए गए। इसकी एक विशेषता यह थी कि प्रशासनिक नियंत्रण न्यूनतम कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए सीमा शुल्क पर भी छूट कर दिया गया था। आधुनिक खुलेपन को विस्तार करने के लिए विदेशी निवेश और आधुनिक तकनीक को भी प्रोत्साहित किया गया। भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए भी कई कदम उठाए गए जिसमें निर्यातों को प्रोत्साहन दिया गया और व्यापार भारत के शुरू बढ़ाने का प्रयत्न किए गए। फिर नई आर्थिक नीति के लाभ। नई आर्थिक नीति के मुख्य लाभ के प्रकार हैं। नई आर्थिक नीति भुगतान संतुलन को तात्कालिक समस्या पर काबू पाने में सहायता प्राप्त हुई, जैसे चालू खाता, अधिशेष, विदेशी विनिमय दोनों ही अच्छा खासा सुधार हुआ। इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास फिर से कायम हुआ है। आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप देश में समृद्धि दर में वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ा है। नई आर्थिक नीति के साधनों से कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है। भारतीय आर्थिक कई अर्थ अकार्य कुशलताओं में ग्रस्त हैं, जिससे कि नई आर्थिक नीति के कारण प्रतियोगिता के माध्यम से दबावों का निर्माण करती है और कुशलता के स्तर में सुधार होता है। नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि दर बढ़ गई है, निवेश अधिक हुआ है और बाह्य ऋण पर सकल घरेलू उत्पाद में भी घटा हुआ है। इससे उम्मीद की गई है कि स्थिरीकरण उपायों के कारण राजकोषीय घाटा कम होगा और स्फीति दर में नियंत्रण में भी रहेगी। फिर है नई आर्थिक नीति के दोष। इसमें कई दोष हैं जिसके कारण कि जैसे कि राजकोषीय घाटे में कमी आई है, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, निर्धन वर्ग की वास्तविक आय भी कम हुई है, निर्धन वर्ग को मिलने वाली सामाजिक सहायता में भी कमी हो गई है, घरेलू बचत तथा निवेश की दर कम हो गई है, कृषि क्षेत्र में भी निवेश की दर कम हुई है। आर्थिक नीति के कारण पूंजीगत और आधारभूत उद्योगों के स्थान पर भी उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग अधिक महत्व दिया गया है। इसी नीति के कारण आयात प्रतिस्थापन को भी कम महत्व दिया गया है। विदेशी तकनीकों में निर्भरता बढ़ गई है। स्टॉक बाजार में होने वाले लेन देन को अधिक महत्व दिया गया है। विदेशी विनिमय के हवाला लेन देन को रोकने के लिए सोने व चांदी के आयात की अनुमति दे दी गई है। नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप विदेशी निवेशकर्ताओं को दी जाने वाली उदारवादी सुविधाएं दीर्घकालीन हानिकारक सिद्ध हुई। आर्थिक नीति के फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए उदारवादी नीति अपनाई गई।
नई आर्थिक नीति के मुख्य अंगों का उल्लेख कीजिए, उदारीकरण की अवधारणा को संक्षेप में व्याख्या कीजिए, वैश्वीकरण के 4 लाभ बताइए, आर्थिक नीति के पक्ष में 4 तर्क दीजिए, नई आर्थिक नीति के विपक्ष में 4 तर्क दीजिए, फिर नई आर्थिक नीति के मुख्य 5 लाभों को समझाइए, नई आर्थिक नीति 5 दोषों का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए गृह कार्य है।